नमस्कार, मैं विवेक महेश्वरी आरती साड़ी से, श्री बालाजी फैशन आरती साड़ी और श्री बालाजी फैशन दोनों फर्म में हमारी यहाँ। आरती साड़ी हमारा ब्रांड नेम है, श्री बालाजी फैशन जो है हमारी फर्म का नेम है। इस बीच में मैं भी अपनी वीडियो को शेयर कर देता हूँ और आप लोग भी शेयर कर दिए। भैया आप वो बना रहे हैं ना पर्ची? वेरी गुड, थोड़ा सा लेट हो गया आज मैं, थोड़ा सा नहीं काफी लेट हो चुका हूँ एक्चुअल में। 1 बजे की वजह मैं इस समय आ रहा हूँ। कस्टमर्स से बल्कि गलती हो गई, नेक्स्ट वीडियो मैं गोडाउन पे बनाएंगे, कोशिश करता हूँ मैं यदि पॉसिबल होता है। आज भी एक्चुअल में वहाँ पे माल काफी कट रहा था, लेकिन वहाँ पे गोडाउन पे वाईफाई की भी तो दिक्कत आएगी। थोड़ा सी वेट कर रहा हूँ ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है, कुछ सूट्स भी हैं मिक्स के, मतलब जो मेरे पास सिंगल सिंगल पीसेस हैं इस तरह से, कुछ रेडीमेड साड़ीज हैं, कुछ स्टोन वर्क की साड़ीज हैं, कुछ गाउन्स भी हैं, तो सब तरह की वैरायटी मिक्स करके लेके आया हूँ। और देखिए हमारे पास इस तरीके से माल पैक होता है, ये सारा माल पैक हो रहा है, थोड़ा सा शोर भी आ रहा होगा क्योंकि पार्सल सारे पैक होने हैं। और एक ये देखिए, ये इस तरीके से ये आते हैं, ये सब पैक होना है, ये सब इस तरीके से आता है। ब्लाउज आ गए और ये देखिए, ये साड़ियां इस तरह से बन बन के आ गए। अब ये साड़ी तय होगी इसके संग, ये साड़ी, ये ब्लाउज, ये सब मैं तैयार कर करके भैया पैक कर रहे हैं। वहां पे थोड़ा सा आवाज भी आ रहा होगा, ये तो ये सब शोर आ रहा होगा, तो खास बात नहीं। पहले मैं आपको दिखा दूं, ये भी सिंगल पीस है क्योंकि लास्ट पीस है, तो मैं आपको दिखा रहा हूं। और काफी महंगा पीस था, लेकिन अभी मैं आपको इंक्लूडिंग जीएसटी के साथ में ये 1995 में दे सकता हूं। ये भी लास्ट पीस है, 1995 का दे दूंगा इंक्लूडिंग जीएसटी। पहले जीएसटी अलग से लगता था, ये पीस चूंकि मेरे पास लास्ट पीस बचा इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। वही 38 साइज पे बना हुआ ये पूरा पीस, देखिए अंदर ये मार्जिन दिया हुआ 40 तक के लिए मार्जिन है। इससे ये चेन हो गई, अब बंद गले का पीस लास्ट पीस। तो मैं इस तरह के काफी डिजाइनिंग चूंकि बनाते ही रहते हैं तो इस तरीके से होता है। इसमें यहाँ पे इसकी इस तरह से चोटी आ जाएगी, सारे के सारे इम्पोर्टेड फैब्रिक पे ही बना रहा हूँ। इस पीस को बनाते समय हमने किस तरीके से डिजाइन किया वो देखिए, पहले ये इस तरीके से यहाँ पे डिजाइन किया, पूरी प्लेटें डाली है और नीचे यहाँ पे फिल कर दी और उसमें टेपिंग दे दी। ठीक है सर, एक बार और नीचे, एक बार और नीचे से दिखा दीजिए। ये जब पीस आएगा तो घूम के आता है, बहुत प्यारा पीस है। ये देखिए पल्ला, 1995 लास्ट पीस। एक ये डिजाइन और ये देखिए, इसका पास से क्लोजअप भी दिखा रहा हूँ। शेयर जरूर करते रहिए भैया, पर्ची बना रहे हैं चलती शेयर की भी, तो मैं वो बताता रहूंगा, आपको दिखाता रहूंगा। थैंक यू रुचि बंसल जी। सर कुछ हैवी ब्लाउज सिंपल साड़ी रेडीमेड में दिखा दीजिए, हैवी ब्लाउज की एक दो साड़ी हैवी ब्लाउज की भी निकाल लो। एक फर्क है, एक बहुत जबरदस्त फर्क है, जब आप शॉप पे आते हैं हर एक आदमी को थोड़ा सा उससे पता होता है, मैंने माइंड मेकअप होता है मुझे इस रेंज से इस रेंज की लेनी है और थोड़ी सी महंगी लेनी है, फैब्रिक देख रहा होता है कस्टमर। ऑनलाइन मंगाते समय फोटो बहुत अच्छी होती है, बहुत बढ़िया लाजवाब फोटो, और पीस कम रेंज की होता है तो जनरली आदमी कम रेंज की लेके चलता है, या फिर अजा फैशन बिल्कुल हाईफाई वो है, बहुत महंगे पीस 30-40 हजार प्लस के पीस है सारे के सारे, या फिर जो हम जैसे मिड रेंज में जो कोशिश कर रहा है, तो मतलब ऑनलाइन देखने के बाद आदमी ऊपर की रेंज में भी नहीं जाता, बहुत ऊपर, बहुत नीचे की रेंज में, तो मिड रेंज में काम होता है। हेलो शशि जी, मतलब हेलो अनु जी, हाँ एक पीस, एक बार ये साड़ी दिखाइए कौन सी वाली, सिल्क साड़ी, हाँ सिल्क साड़ी भी कुछ ले आता हूँ मैं।
कुछ नीचे से स्टिल सारी चीज चाहिए, और इसके संग हमने ये साड़ी ली है। ये देखिए इसमें पल्ला हमने खुला रखा है। हटा दो, ये पीस हटा रहा हूँ मैं, मुझे नहीं समझ आ रहा तो मैं आपको हटा रहा हूँ। इस ब्लाउज के संग कोई दूसरा पीस सेट करेंगे वो पीस नहीं समझ आ रहा, तो हटा रहा हूँ। यदि हमारे यहाँ मुझे कोई भी पीस डिफेक्ट दिख गया, मैंने स्टाफ को भी सख्त हिदायत दी है, कोई पीस ऐसा नजर आ जाए जो पीस नहीं भेजने रह गया, डिफेक्ट है, हल्का सा भी डिफेक्ट है, तो वो पीस हम नहीं भेजते, पीस बिल्कुल नहीं देखते। और यहाँ से हार्ड चेकिंग होती है, इसलिए हम बहुत श्योर रहते हैं कि नो एक्सचेंज नो रिटर्न। वजह ये होती है कि हम चेक करके भेज रहे हैं दो दो तीन के बाद, और हमारी निगाह में जाए तो कोई मतलब ही नहीं। ये देखिए तो पूरे में एप्लिक फ्लावर्स बने हुए हैं, बहुत अच्छा हैवी पीस। ये देखिए पूरा एप्लिक फ्लास 38 साइज पे बना हुआ है, अंदर मार्जिन है 42 तक ओपन हो सकता है, ये 42 तक। हर एक डिजाइन का अलग सेगमेंट रहता है कुछ, और ये इसके लिए स्लीव्स के लिए फैब्रिक दिया हुआ, थोड़ा सा यदि किसी को स्लीव्स लगानी है। और ये इसकी साड़ी, ये देखिए लॉन्ग ड्रेस या शरारा ड्रेस दिखाइए, लॉन्ग ड्रेस भी दिखा रहा हूँ, शरारा ड्रेस। अब ये देखिए अब इसमें क्या किया, मिड रेंज में ही है मेरे पास सारे के सारे शरारा, एक नीचे टेपिंग कर दी और टेपिंग के साथ में यहाँ पे जोड़ पे एक फ्रिल और डाल दी, तो डबल वो हो गया, तो गेटअप इस पीस का और बढ़ गया। ये देखिए गेटअप और बढ़ गया 42 पे। हाइट की एडजस्टमेंट टेलर से आपको खुद को करवानी पड़ेगी, मेरे पास आते हैं तो वो भी पेड होता है, ठीक है। इस तरीके से भी, और ये पीस है 2195, 2195 इंक्लूडिंग जीएसटी, 2195 इंक्लूडिंग जीएसटी, ठीक है, इंक्लूडिंग जीएसटी दे दूंगा, पहले जीएसटी अलग से था, लेकिन ये पीस लास्ट पीस है मेरा, तो ये पीस भी 2195 इंक्लूडिंग जीएसटी दे दूंगा मैं आपको। एक पीस और ये भी माल आएगा, ये देखिए का, और ये इस तरीके से इसका ब्लाउज हो गया फ्रंट और बैक, 38 साइज पे बना हुआ है, अंदर मार्जिन है 42 तक ओपन हो सकता है ये मैक्सिमम। और ये इसकी साड़ी, ये मैं साड़ी भी दिखा रहा हूँ आपको, साड़ी अलग स्टाइल में बनाई है इसमें, ये इस तरीके से होगा, इसमें डबल फिल देंगे, और इसका पल्ला देखिए प्लेन ओपन पल्ला ले लिया, लेयर पल्ले में ही पहनी जाएगी ये साड़ी, और ऊपर और नीचे दोनों साइड बॉर्डर पैक कर दिया। लास्ट पीस है ये भी 1695, 1695 इम्पोर्टेड फैब्रिक है, फैब्रिक की पहचान दी है, बताया हुआ मैंने सारे के सारे रिंकल फ्री फैब्रिक होते हैं, ये बहुत सॉफ्ट फैब्रिक है, रिंकल फ्री फैब्रिक है। हाइट की एडजस्टमेंट आपको खुद अपने टेलर से करवानी पड़ेगी, बहुत इजी होता है, जब भी आप टेलर के पास जाएंगे ये फ्रिल अलग से खोल के खुल जाती है, वो हाइट की एडजस्टमेंट कर देता है टेलर, बहुत आराम से हो जाती है, ठीक है। कमर के लिए ये हुक खोल के होता है, मेरे पास आएंगे तो वो भी पेड है हाइट की एडजस्टमेंट। पहले मैं वो भैया शरारा ले आए हैं, एक पीस दिखा रहा हूँ मैं, ये देखिए कलर्स भी इसमें आएंगे, कलर्स आप कहेंगे तो भैया आप इन्हें व्हाट्सएप पे भेज देना, पाकिस्तान में कई बार बात हुई है, पाकिस्तान में ज़ारा जी डिलीवर करना मुझे तो दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको प्रॉब्लम हो जाएगी क्योंकि वहां पे कस्टम ड्यूटी बहुत लग जाती है। ये देखिए और ये इस तरीके से दोनों स्लीव्स भी देखिए, बैक भी देखिए, ये बैक में भी काम है, ये दुपट्टा हो गया, पास में लाके क्लोजअप दिखा रहा हूँ, पहले आप पास से देखिए पूरे में ये बॉर्डर से, ये जो इस तरीके से गोटा पत्ती का बॉर्डर होता है ये लगाया हुआ है,
स्लीव्स के लिए भी, यहाँ पे भी, और ये देखिए पजामी पे भी काम। इसके ऊपर से कलर ला दो तो कोई एक हाथ कलर, या एक पीस का भी ला दो, ये देखिए दोनों साइड में काम। और बहुत अच्छा पीस बना हुआ ये, 38 साइज पर बना हुआ है। इसमें अंदर मार्जिन जो है ये 44 तक ओपन हो सकता है, बहुत इजीली 44 तक ओपन हो सकता है ये पीस। इसमें कलर्स भी आएंगे, एक दो पीस, एक दो कलर जो भी है मैं आपको दिखा देता हूँ। और ये है 2500 रुपीज इंक्लूडिंग GST, कोरियर चार्जेस हमेशा अलग से रहेंगे। मैं जब भी प्राइस बताता हूँ कोरियर चार्जेस अलग से रहते हैं। सारी COD पे जा सकती है, COD चार्जेस अलग से होंगे। पेमेंट करेंगे तो उसने में ही जाएगा, सिर्फ कोरियर चार्ज ऐड होंगे। ये पीस पेमेंट पे ही जाएंगे क्योंकि इसमें कोरियर काफी ज्यादा होता है। अच्छा, उसके बाद भी किसी कस्टमर को कहते हैं मुझे COD पे ही चाहिए, तो आने जाने का फ्राइट, आने जाने का कोरियर आप भेज देंगे तो मैं भेज दूंगा, बाकी पैसे COD पे दे दीजिएगा आप, ठीक है ना। जैसे मान लो इसमें 200 रुपये होगा, 250 में नहीं जाएगा, 200 में चला जाएगा। भैया कह रहे हैं 200 में चला जाएगा, तो 200-400 रुपए आप भेज देते हैं पहले से पेमेंट पे, तो फिर आपको वहां पे सिर्फ 2500 रुपीस और प्लस 3% 2575, यानी 2575 रुपए देंगे और 400 रुपए पहले पे कर देते हैं, तो फिर ये चला जाएगा। 2575 रुपए आप वहां पे उस पे पेमेंट पे COD पे दे दीजिएगा, कैश ऑन डिलीवरी पे। लेकिन आने जाने का कोरियर तो देना पड़ेगा ना, बाई चांस आप नहीं लेते किसी वजह से मन बदल गया कि नहीं दूसरा पीस लेना है, तो भैया वो पीस पैसे जो आने जाने के कोरियर चार्जेस हैं, मैं ये समझ मेरे वो पैसे पूरे हो गए आने जाने का जो लगेगा, ठीक है। ये रखिए भैया, इसके कलर्स का क्या हुआ, निकाल नहीं पाया वो ऊपर गया, अभी इसके कलर लेके आ रहा है। जब तक मैं आपको एक दो नहीं, हाइट की एडजस्टमेंट तो मतलब एक वन मिनट में निकलते ना, कोई कोई सा भी डिजाइन वन मिनट में लिया हुआ विदाउट फिल होगा तो उसमें हाइट की एडजस्टमेंट तो सीधा कट के हो जाएगी ना। वन मिनट की सड़ी लिया हुआ, एक दो डिजाइन रेडीमेड में कोई सा भी डिजाइन ले रहा। ये देखिए एक ये डिजाइन बनाया हुआ, ये भी सिंगल पीस है। इसमें स्लीव्स के लिए हमने इस तरीके से ये लगा दिया, तीन फिल दे दी यहाँ पे दोनों साइड में। ये भी लास्ट पीस है, डिजाइन बहुत ज्यादा बनाते रहते हैं, बड़े महंगे महंगे पीस हैं, लेकिन अब ये चूंकि लास्ट पीस हो रहा है तो मैं भी आपको ये भी इस तरीके से दिखा रहा हूँ। 2295 रुपए, 2295 इसकी मैं एक सौ। ये देखिए पीस देखिए, साड़ी नीचे पूरे में फील्ड करिए नेट की, और ये इसका पल्ला, पल्ला भी देखिए बहुत बढ़िया गजब का पल्ला, ये इस तरीके से पूरे में आएगा, ये दिखाऊंगा आपको ऐसे आएगा। मतलब पहनने के बाद पता चलेगा कि पल्ला कुछ साड़ी पहनी हुई है, घूम के ऐसे ही, और फ्लेयर पल्ले में ही पहननीएगा इसे, इसे यही रखा हुआ कि जब फ्लेयर में पहनेंगी तो इस तरह से पूरे में ये नजर आएगी। मैं पास से लाके दिखा दूं थोड़ा सा, हमारे पास तो इसे स्टीम प्रेस की जरूरत है, हम तो बना के ना इसको सब साड़ियों को पन्नी में रख देते हैं। भैया नीचे वो है ना, मुझे वन मिनट नहीं, नीचे फिल ना हो कुछ ना हो, वन मिनट में क्या। अच्छा बहुत बढ़िया, ठीक है हो गया। तो ये लास्ट पीस, ये 2295 2295 रुपए। और ये देखिए ये जो भैया थोड़ा सा शोर भी हो रहा होगा, तो भैया इस तरीके से पार्टियों के माल पैक कर करके रख रहे हैं, ये यहाँ पे भी तैयार हो रहा है, थोड़ा सा घुमा लीजिए भैया की तरफ, ये देखो यहाँ पे भी पैक हो रहा है, उस साइड भी दिखा दी आप रहे हो, आप दिखा दो, ये देखो भैया यहाँ पे पैक कर रहे हैं, माल पैक कर करके तैयार कर रहे हैं सारा। अब मैं आपको वो साड़ी दिखाता हूँ जो अब वन मिनट कह रहे थे, जिसे एक्चुअल में होती सारी वन मिनट है, जिसमें आपको हाइट की एडजस्टमेंट फिल की जरूरत नहीं है, कर खुद भी सकते हैं, लेकिन मैं फिर कहूंगा कि खुद इसमें कोशिश कम करिएगा, जिसका हाथ सेट हो, जिसने स्टिचिंग वगैरह आती हो वही कोशिश करे। ये देखिए ये इसका ब्लाउज हो गया, इसमें कलर्स भी होंगे,
गोल्ड कलर है। ये देखिए ये साड़ी हो गई, तो कोई नहीं। और ये इसका बूटा हो गया, ये बूटा हो गया साड़ी। और ये इसकी साड़ी हो गई है, प्लाजो में कुर्ता मतलब पेंट स्टाइल में ना, जो आजकल चल रहे हैं एक पेंट स्टाइल में डिजाइन और चल रहा है। हाँ पेंट स्टाइल में डिजाइन चल रहा है, ले आना नीचे से जो भी जैसे वो ही दिखा रहा था ना, वो पेंट स्टाइल कहलाते हैं जिसमें वो ना हो। ये देखिए अब इसमें क्या है, नीचे फ्रिल नहीं दी हुई, फ्रिल नहीं दी हुई। तो आप इसमें आप भी कर सकते हैं, लेकिन मैं फिर वही कहूंगा जिसका हाथ सेट हो, जिसे अच्छे से आता हो, वही कोशिश करिएगा। यदि साड़ी काट दी तो उसका फिर कुछ भी नहीं हो सकता। बाद में मेरे पास आएंगे कि भैया इसकी हाइट छोटी हो गई और आपके यहाँ से छोटी निकली है, मेरे यहाँ से नपके जाती है साड़ी। ये देखिए मेरे भी लंबी है ये, मैं कमर कमर तो यहाँ बनता हूँ तो मेरे भी लंबी है। हम फुल हाइट पे बना के चलते हैं तो इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ, बाद में ये कोई कहे कस्टमर के साड़ी आपके यहाँ से छोटी निकली है, मैं जवाबदार बिल्कुल भी नहीं होऊंगा। इसलिए बता रहा हूँ बार बार, क्योंकि मैं सब चीजों का भुगत भोगी हूँ, दूध पे जला हुआ हूँ। यहाँ से जब ये कटती है, ये देखिए मशीन से काटी हुई है, सीधे कैंची रख के काटनी है टेलर ने। कोई भी टेलर कटवाइएगा टेलर से, क्योंकि वो होता है, और उस समय वो पहन के जाइएगा जो अपने हैंड सेंड मतलब हील या सैंडल या जो भी पहननी है वो वियर करके जाइए। बेटा रख दो आप यहीं पे ऐसे, फिर रख दो मैं भी उठा लूंगा, तो वो वियर करके जाइएगा। उसके बाद क्या होगा, आसानी रहती है उसे, हाइट की एडजस्टमेंट प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपने मान लो अंदाजे से कह दिया, अंदाजे से इतनी कर दो, उसने ज्यादा कर दिया और आपने हील छोटी पहनी हुई है, साड़ी ऊंची ऊंची लगेगी, ये लगेगा। तो ये चीज समझ के ही जानी पड़ेगी आपको। कितने की है ये? लास्ट के दो पीस है, इसके प्राइस मैं अभी मैं कर रहा हूँ 1200 रुपए, रिवाइज कर रहा हूँ। महंगी साड़ी थी भैया, प्राइस ज्यादा बता रहे हैं, लेकिन मैं रिवाइज करके दो पीस बचे हुए हैं 1200 रुपए इंक्लूडिंग जीएसटी में, मैं खत्म कर रहा हूँ। लास्ट के दो पीस हैं, एक पीस ये ना और एक ये रहा, किसी को भी चाहिए तो वो बुक कर सकते हैं अपना पीस। और फर्स्ट फाइव जो पहले पांच आदमी पेमेंट करने पे होंगे, शिपिंग एक्स्ट्रा है, शिपिंग एक्स्ट्रा है 1200 रुपए इंक्लूडिंग जीएसटी। जीएसटी 5% का मैटर, बहुत जबरदस्त मैटर होता है, जो गवर्नमेंट को टैक्स जाना ही जाना है। जो फर्स्ट फाइव पर्सन होंगे, पहले पांच आदमी होंगे जो पेमेंट पे माल लेंगे, उनको ये ब्लाउज भी चला जाएगा, एक ये ब्लाउज जाएगा। अब भैया सबको भेजना है ना जो फर्स्ट फाइव है, ध्यान रखिएगा कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए। ये देखिए ये ब्लाउज और ये इसकी साड़ी, ये गोल्डन कलर की, ये दो पीस लास्ट रह गए थे, क्योंकि अब क्या होता है इतनी आइटम्स बनाते हैं, थाउजेंड्स ऑफ आइटम बनाते हैं, रोज नया डिजाइन काट देते हैं, और हम बस जिसका बल्क में ऑर्डर आता है उसको बना भी लेते हैं। बल्क चाहिए, सिंगल पीस कोई 5-7 पीस 10 पीस में नहीं बना पाएंगे। ये देखिए ऑल ओवर इंडिया से, आउट ऑफ इंडिया से भी बहुत ऑर्डर आते हैं जो बल्क में ऑर्डर देते हैं, जो बल्क में देते हैं उनका सब बना देते हैं, सब कुछ कर देते हैं। एक चीज और, कुछ कस्टमर्स ने मुझसे मांगा है, कुछ बुटीक्स वालों ने, एक चीज और शुरू कर रहा हूं। यदि एक बुटीक वाले या किसी कस्टमर को, किसी फैशन डिजाइनर को, किसी को भी पीस चाहिए, फैब्रिक चाहिए, तो आप मुझसे ले सकते हो, लेकिन कोई बाद में सुनवाई नहीं होगी कि आप ये पीस मुझे नहीं चलेगा, रंग में फर्क है, डिफरेंस है। मैं ऐसा नहीं करूंगा, आपको फैब्रिक चाहिए मैं फैब्रिक दे सकता हूँ। जैसे लेट अस सपोज आपको ये सीक्वेंस का फैब्रिक चाहिए, मिल जाएगा। एक सेकंड ब्लाउज दिखा, एक सेकंड के लिए सर, ये आपको चाहिए फैब्रिक चाहिए मैं दे दूंगा, जितने बुटीक वाले मुझसे ले सकते हैं, जितना जितना फैब्रिक चाहिए मैं बता दूंगा सारी डिटेल्स, आपको मिल जाएगा फैब्रिक। घाघरा प्लाजो वो भी होगा, अभी मैंने जो निकाला हुआ मैं वो दिखा रहा हूँ। तो ये भी लास्ट पीस है 1200 रुपए लास्ट, सिर्फ दो पीस बचे हैं, और थे तो बहुत महंगे, लेकिन अभी मैंने भैया के रेट बताते बताते भी मैंने इसको कम करके खत्म कर दिया लास्ट के दो पीस पे, और आगे मैं कंटिन्यू नहीं करूंगा, इस डिजाइन को बनाऊंगा भी नहीं। ये देखिए ये जो पेंट स्टाइल मांग रहे थे पीस, ये पेंट स्टाइल कैसे होता है मैं आपको ये भी दिखा दूं। ये देखिए ये पेंट स्टाइल हो गया, ये पांचों में, ये मैं पास में ला के दिखा रहा हूँ। ये देखिए इस तरीके से ये पेंट स्टाइल कहलाता है। ये ब्लाउज का वर्क देख लीजिए पहले आप, ये
स्लीव्स के ऊपर हो गया, इस तरीके से शोल्डर पे आएगा। डिजाइन बहुत अच्छा चल रहा है अंदर, इसमें भी अंदर। और ये देखिए, अब मैं आपको दूर से दिखा रहा हूँ, पीछे से, पहले पीछे से दिखा दूं आपको, पीछे इस तरीके से आता है, ठीक है। और ये इसका ये तो दुपट्टा है, ये आगे ऐसे डल जाती है दोनों साइड, तो बहुत अच्छी लुक आती है। एक ये बीच में हो गया, तीन जब चलते हैं ना, बहुत प्यारी लुक आती है। और ये 2100 रुपए केवल, 2100, 2100 रुपए केवल इंक्लूडिंग जीएसटी। शॉप पे आते हैं 2100 की है, कोरियर से मंगवाते हैं तो वही 200-400 रुपए, मतलब सॉरी 200 रुपए और लगेंगे, पेमेंट पे ही जाएगा। और यदि आपको मतलब कोई कस्टमर कहता है सीओडी पे ही चाहिए, तो भैया आने जाने का फ्राइट कोरियर चार्जेस पहले से पे कर दो, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अभी कई कस्टमर्स की सीओडी ऑलरेडी ब्लॉक है, तो वजह क्या भैया, वो पीस का जो भी, अच्छा ये घाघरा प्लाजो, घाघरा प्लाजो, अच्छा घाघरा प्लाजो, अच्छा अच्छा, वो मैंने पीस का, तो उसका पीस का जो पहला पीस दिखाया था वो लेके आया था ना भैया, दिखा दे ये खोल के दिखाना मुझे। ये देखिए जो घाघरा प्लाजो में मांगा था, ये देखिए घाघरा प्लाजो, ये ऊपर हो गया और ये घाघरा पूरा बड़ा घाघरा प्लाजो में देखिए। शॉप का एड्रेस आरती साड़ी, 1548-1548, नई सड़क नियर न्यू मारवाड़ी कटरा, नया मारवाड़ी कटरा बराबर में है, चांदनी चौक मेट्रो चावड़ी बाजार मेट्रो के बीच में है। ये देखिए जॉर्जेट के ऊपर है, बहुत बढ़िया डिजाइन बना हुआ है। ये इसका दुपट्टा हो गया, पीछे बैक में भी काम है। 2650 2650 रुपए इसमें कलर्स भी आएंगे, 2650 रुपए। और ये इसकी स्लीव्स, इसमें स्लीव्स ऑलरेडी बनी है, ये लीजिए 2650 रुपए। और ये पीस जो मैंने पहला पीस दिखाया था आपको, उसका मैं दिखा रहा हूँ, एक सेकंड यार मैं बीच में देख भी लूँ, भैया ने एड्रेस तो फॉरवर्ड कर दिया जो टोटल, हाँ टाइम घंटे। ये देखिए इंची टेप भैया, एक तो ये जो भैया अभी भी कह रहे थे कि कई कस्टमर कहते हैं आरती साड़ी, आरती साड़ी मेरा ब्रांड नेम है, आरती साड़ी ब्रांड नेम है, लोग जानते आरती साड़ी के नाम से हैं, पुराने हैं आरती साड़ी के नाम से, इसलिए हमने ऐप बनाई है, वेबसाइट सब कुछ आरती साड़ी के नाम से बना हुआ, मेरा चैनल भी आरती साड़ी के नाम से। जो मेरी बिलिंग होती है, जो मैं अकाउंट्स करता हूँ, जो मैं रिटर्न फाइल करता हूँ, जो मैं जीएसटी जमा कराता हूँ, वो श्री बालाजी फैशन में कराता हूँ, कर सकता हूँ ये सब। आरती साड़ी मेरा रजिस्टर्ड ब्रांड है, मैं सब कुछ ऐसे ही है, सीए से बात हो रही है, इनकम टैक्स में सब कुछ जाती है रिटर्न। जो कस्टमर्स जीएसटी, जिनके पास जीएसटी नंबर है, वो अपना जीएसटी नंबर दीजिए ना, आपको जीएसटी पेड बिल मिलेगा। आप जीएसटी नंबर नहीं देते हैं यदि किसी के पास नहीं है, बहुत सारे शॉपकीपर्स पे नहीं है, तो मैं ये भी नहीं कहता आपको जीएसटी नंबर की जरूरत ही नहीं है। अच्छी रेट में गवर्नमेंट ने 1 करोड़ तक है ना, 2 करोड़ तक जीएसटी नंबर की जरूरत नहीं है, 2 करोड़ तक, 2 करोड़ तक जीएसटी नंबर की जरूरत नहीं है, गवर्नमेंट ने इस तरह से किया हुआ है। तो यदि आप उससे बचना चाहते हैं, आप अपने उसमें वो ले लो 1% लेके ना, 2 करोड़ तक कंपोजिशन में 1 करोड़ तक, और वैसे 40 लाख रुपए तक है, वैसे 40 लाख रुपए तक है। यदि किसी की सेल 40 लाख रुपए से कम है, तो उसे कंपोजिशन की भी जरूरत नहीं है, वो वैसे ही फाइल कर सकता है, मतलब जीएसटी नंबर की जरूरत ही नहीं है। और जो 2 करोड़ तक सेल है, वो 1% उसमें ले सकते हैं। ये शॉपकीपर्स और उनके लिए बता रहा हूँ, रिटेलर को तो जरूरत ही नहीं है। ये देखिए 20x40 पीस बना हुआ है अंदर दोनों साइड, ये दो दो चार इंच का मार्जिन इधर है, 4 इंच का मार्जिन इधर है, तो हम इसको मान के 3 और 3 6 इंच का मार्जिन मानते हैं। तो ये 46 तक, 46 तक ये जा सकता है, बड़ा हो सकता है। ये देखिए, और अंदर ये मैं यहां से इसकी हाइट भी बता दूं आपको, ऐसे नाप के 34 ये हाइट है, अच्छा लंबा है। और ये इसका दुपट्टा हो गया, ये इसका दुपट्टा हो गया, ठीक है, ये भैया
प्राइस मैंने बताया, वो तो जो मैंने पहला पीस दिखाया था पिंक कलर का, उसी का पीस मंगवा के दिखा रहा हूँ। और ये इसमें अंदर ये पीस स्पेशली मैंने इसलिए मंगवाया था, अंदर ये देखिए स्लीव्स के लिए फैब्रिक दिया हुआ है, स्लीव्स के लिए फैब्रिक भी है। फिर से प्राइस बता रहा हूँ 2500 2500 केवल। ये इस तरीके से आएगा, ये देखिए ये शरारा बोलते हैं ये इस तरीके से। और ये हाइट जो कमर है, कमर के इंची टेपिंग पर फिर से पकड़िए। अभी एक बच्चा और पूछ रहा था कहने के सर इसकी हाइट कैसे ऐसे नाप रहे हैं तो कम आ रही है। मैंने कहा बेटा इसकी यहां तक जाएगी, ये देखिए 19-38 तक, बल्कि 20-40 तक जा रही है। ये तो 40 तक तो एज इट इज जा रही है, अब आपको तो बिल्कुल टाइट हो जाएगा। तो अंदर इसके बाद भी इसमें क्या होता है, जिनकी कमर और ज्यादा है वो मार्जिन कर लेते हैं एडजस्टमेंट, यहाँ से खोल के इसकी एडजस्टमेंट करी जाती है, हो जाती है सब कुछ। लहंगों की नहीं होती, कमर ज्यादा होती है और हाइट फुल हाइट का बने हुआ है। तो जब उसकी हाइट कम करेंगे तो नीचे से तो चौड़ा हो रहा है, क्योंकि शेप तो ऐसे होती है, तो अपने आप कमर ज्यादा हो जाएगी, कमर ज्यादा हो जाती है पहली चीज। उसके बाद भी किसी को बहुत ज्यादा होती है तो वो एडजस्टमेंट कर दी जाती है, टेलर्स कर देते हैं, सब कुछ हो जाता है, बहुत कुछ हो जाता है। लेकिन बहुत ज्यादा होगी तो थोड़ी सी डिफरेंस आता है, तो बहुत इजीली हो जाता है। 2500 रुपीज ऑनली होंगी, आप उधर लेकर उस साइड ले लो, उससे कोई बात नहीं, अभी चलिए लोकेशन मैं कर दूँ। ये देखिए बनारसी साड़ी, अभी मांगी थी बनारसी साड़ी, तो बनारसी साड़ी में ये आ गया। अभी अभी माल आया, नया माल आया है, तो मैं आते ही आपको दिखा रहा हूँ। बनारसी साड़ी में फैब्रिक थोड़ा सा थिक होता है, फैब्रिक थिक होता है, ये इसका पल्ला कंटास पल्ला होता है, ठीक है। बॉर्डर थिक फैब्रिक होता है, बहुत अच्छा लगता है, ढंग से ड्रेप किया हुआ। मैंने पीछे बताया भी था, भाभी जी यही मांग रही थी, मेरी भाभी जी हैं, उन्होंने पीस मंगवाया था, तो शी इज डॉक्टर, उन्होंने पीस मंगवाया पहना, हर एक ने कम से कम 15-20 हजार रुपए का पीस है, 20 हजार रुपए का पीस। और ये है कितने का एक्चुअल पीस, मैं आपको 1700 रुपए 1700 इंक्लूडिंग GST, कोरियर चार्ज अलग से लगेंगे। तो 1700 रुपए का पीस मैंने उनसे हंसते हुए कहा, मैंने भाभी जी पहना आपने हुआ था तो इसलिए लग रहा है। एक्चुअल में हमेशा ये बनी बनाई बात होती है, गरीब पहन ले तो सोना भी पीतल है, अमीर पहन ले तो पीतल भी सोना है। ये देखिए पीस बहुत प्यारा, और पूरे में अंदर स्टोन वर्क का काम, ये देखिए बूटी पे मैं पीस खोल भी देता हूँ, ये देखिए। और नीचे बेल, कितनी प्यारी बेल, हालांकि इस तरह के पीस खोलते नहीं है। एक बार भैया इसके लिए ना लाइट जला दीजिए, इसका गेटअप लाइट में ही आएगा, लाइट के बगैर आएगा नहीं पीस का गेटअप। एक बार हम लाइट जला देते हैं, इसको क्या हुआ, ये देखिए पीस का गेटअप देखिए, अब बताइए पीस कैसा लग रहा है। और अभी भी मेरे यहाँ लाइटें कम है, यहाँ पे क्योंकि ये होलसेल का डिपार्टमेंट है, लाइटें थोड़ी सी कम रहती हैं। कंटास पल्ला जैसा बॉर्डर है उस तरीके से पल्ला आएगा, पूरे में बूटी, नीचे बॉर्डर बहुत प्यारा, ये यहां तक आएगा। और अंदर जो लपेटने में नहीं है बॉर्डर डालो, वो की बहुत महंगा हो जाएगा, यहाँ की ये बेल यहां तक आएगी। और ये इसका ब्लाउज, ब्लाउज पूरा मत काटिएगा, मेरी सलाह ये है कि जितना जिसको जरूरत हो 60-70 सेंटीमीटर उतना काट लीजिए, बाकी अंदर दबाने में ले लेना। कौन सी वाली दिखाई थी लास्ट में, ये तो ये दिखाई थी, पीस कैसा लगा ये बताइएगा जरूर। ओरिजिनल बनारसी पीस है, ओरिजिनल बनारसी पीस है, बनारसी पीस की थिक, ये पीछे से भी पता चल जाएगा, ये देखिए टू टोन शेड मारता है, टू टोन शेड मारता है, फैब्रिक थोड़ा सा थिक होता है बनारसी में। और बेंगलोरी में क्या होगा, फैब्रिक पतला होता है, सिल्क आज की रेट में वो पतले सिल्क चल रहे हैं, इस तरह के फैब्रिक कम होते हैं, लेकिन बहुत अच्छे रेच लुक मारते हैं। इसे 5 साल बाद भी निकालिएगा ना, साड़ी एज इट इज लगती है, वो साड़ी पहनेंगे। कौन सी वाली लास्ट वाली साड़ी, ये दिखाई थी मैंने, ये वाली साड़ी दोबारा दिखा देता हूँ, कुछ कस्टमर को कह रही है, ये देखिए ये साड़ी हो गई गोल्डन कलर की, गोल्डन कलर लास्ट पीस बचा है। तो ये 1200 रुपीज का, दो कलर मैंने दिखाए थे, एक ये एक ग्रीन, ये ब्लाउज है,
शाइनिंग देखिए, बस मैं तो ये देखिए कलर थोड़े से चेंज हो जाते हैं, लेकिन मैं आपको ये 1200 ना किया 1200 लास्ट पीस लाइए, एक वो दे दीजिए। और कोई सी बनारसी साड़ी दिखानी है पहले, ये कुछ सूट लेके आने, सूट भी लेके आऊंगा मैं। प्रीति जी आप व्हाट्सएप पे तीन मतलब दो तीन महीने मुझे याद है, एक तो ये भैया ने जो लिखा हुआ है 8700250928 इस नंबर पे भी आप ऑर्डर कर सकते हैं, थैंक यू। और एक दूसरा नंबर जो मुझे बहुत हमारा शुरू से पुराना नंबर है 7217818481 मेरी ऐप पे भी दिया हुआ है। एक और नंबर है 8376918925 मेरी ऐप पे वेबसाइट पे दोनों पे दिया हुआ है। ऐप पे काफी सारे लोग मुझसे आज भी क्वेश्चन करते हैं भैया इसमें फोन नंबर मांग रहा है, आप गूगल से भी लॉग इन कर सकते हैं, आप फेसबुक से भी लॉग इन कर सकते हैं, और हर ऐप में जिसमें भी जाते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है हाउ टू योर रजिस्टर, लॉग इन से पहले क्या होता है अपने आपको रजिस्टर करना, तो उसके बाद अपना पासवर्ड बना लो, एक तरीका वो भी है। तीनों तरीके आप कैसे भी उसमें लॉग इन कर सकते हैं, बनाई इसलिए हुई है कि आप रीसेल कर सकें, आप अपना मार्जिन ऐड करके अपना प्रॉफिट ऐड करके किसी को भी डिलीवर करवा सकते हैं, रीसेल के हिसाब से वो ऐप बनाई हुई है हमने, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। थैंक यू कौसर जी, कौसर बानो जी थैंक यू। साड़ी में कलर्स दिखा दो, श्योर प्रीति जी एक मिनट दिखा रहा हूँ, पहले एक ये डिजाइन और दूसरा डिजाइन क्यों लिया, चलो एक डिजाइन और भी लिया भैया, उसी डिजाइन के रंग दे दो, बस एक ये डिजाइन दिखा देते हैं, चलो ये भी दिखा देता हूँ, तीनों डिजाइन भैया अभी अभी माल आया भैया, सबसे पहले ऊपर और आगे है, ये देखिए पूरे में फर्स्ट क्लास पीस देख के पता चलता है कुछ पीस है, पहले तो पास से ग्लोज देखिए सारा का सारा वीविंग में काम है, 100% वीविंग में काम है। और ये बॉर्डर देखिए बॉर्डर, अब मैं आपको दूर से ले जाके दिखाता हूँ पीस के गेटअप कैसा आता है, ये देखिए पीस का गेटअप, पहनने के बाद पीस लगता है कि हाँ पीस पहना हुआ है, रानी कलर का पीस फुल उसमें शाइन, कलर थोड़ा सा कलर थोड़ा सा चेंज हो सकता है लाइट की वजह से, लाइट और कैमरे की वजह से, वो आपको समझना पड़ेगा, रानी कलर का पीस है ये, यहाँ तक अंदर दबाने में आता है, और ये सेल्फ का ब्लाउज हो गया, ब्लाउज सेल्फ में सेल्फ का ब्लाउज, और ये इसके प्राइस भी बता देता हूँ आपको, 1850 रुपए इंक्लूडिंग जीएसटी, 1850 इंक्लूडिंग जीएसटी, कोरियर चार्जेस हमेशा अलग से रहते हैं, शॉप पे आते हैं 1850। एक मिनट पानी बोतल देना भैया, और वैसे तो सीओडी चार्जेस भी हमेशा ऐड होते हैं अलग से, पानी से याद आया एक चीज और, बहुत सारे बीच में वो भी बता देता हूँ, बहुत सारे लोग पानी कम पीते हैं सर्दियों में, कम से कम सर्दियों में भी 2 से 3 लीटर पानी, 2 लीटर पानी तो पीना ही पीना चाहिए, 2 लीटर पानी मतलब 10 गिलास पानी पीना ही चाहिए कम से कम, हर एक को पानी बहुत फायदा करता है, हमेशा आधा आधा गिलास पानी पीते रहे, एक गिलास इकट्ठा ना पिए, जिसको मार्केटिंग का काम है ट्रेवलिंग का काम है तो वहां पे भी मेरी बात मत मान लेना, टॉयलेट ही आता रहे ये सच्चाई है, तो वहां पे नहीं लेकिन हाँ ऑफिस में जितने लोग रहे हैं ऑफिस वर्क करते हैं, जो लेडीज घर में रहती हैं उन्हें पीता रहना पानी पीते रहना चाहिए, मोटे आदमियों को पतला कर देगा, पतलों को हेल्दी कर देगा, जिनके हाथ पैर ठंडे रहते हैं क्या ब्लड कम है, हाथ पैर ठंडे रहने का रीजन सर्दियों में ब्लड कम है, हीमोग्लोबिन कम हो रहा है, हीमोग्लोबिन भी कम है, तो ये सब चीजें बहुत इफेक्ट करता है, पानी पीने का एक तरीका होता है पर्टिकुलर, काफी सारे लोग कहते हैं सुबह सुबह पानी, हम बहुत ज्यादा पानी पीते हैं, सुबह सुबह पानी किसको ज्यादा पीना चाहिए आप बताइए, जिसको कब्ज है कॉन्स्टिपेशन है पेट साफ नहीं होगा कॉन्स्टिपेशन है उनको सुबह सुबह इकट्ठा 2-3 गिलास 4 गिलास पानी पीना चाहिए, जिनको पहले ही कोई प्रॉब्लम नहीं है उनको थोड़ा थोड़ा करके ही पानी पीना चाहिए पूरे दिन। एक और डिजाइन भैया कह रहे हैं पहले क्लोजअप दिखा दो, ये देखिए पास से पल्ला देखिए पहले वर्क पता चलता है सारा वीविंग में काम है प्रिंट पे नहीं है, और ये अंदर चेक्स का सब वीविंग में काम, मतलब ये सारा का सारा ये देखिए वीविंग में काम है, अब मैं दूर से आपको इसका दिखाता हूँ, ये तो इसका
ब्लाउज हो गया, पल्ला, पल्ला हैवी पल्ला, और बॉर्डर में देखिए स्टोन्स लगे वो पूरे हैवी साड़ी। टू टोन पे, टू टोन की शेड बहुत अच्छी आती है, अलग शेड आती है। जब ये साड़ी ड्रेप करी जाती है, पहनी जाती है, तो पता चलता है किसी ने कोई साड़ी पहनी हुई है। ये देखिए बहुत अच्छी साड़ी, और इसमें कलर्स भी आएंगे। उसके पूछो बस, उसके कलर दे दो। ये इसमें दूसरा कलर रामा सी ग्रीन, रामा के संग मतलब मजेंटा येलो से हमने बहुत प्यारा ही मैचिंग बैठी हुई है। ठीक है, और गोल्ड के संग ग्रीन मार्वलस मेहंदी ग्रीन गोल्ड के संग बहुत प्यारा कलर। और एक और भी है शायद इसमें कलर, रानी रेड, रानी टेप का कलर, बहुत प्यारा कलर। ये भी सारे कलर स्टॉक के, ठीक है। अब मैं इस बीच में आपको पहले एक रेडीमेड साड़ी और दिखा दूं। लाइट कम कर देते, लाइट को हल्की कर दो भैया। 1900 ये वाली जो साड़ी है उधर से लाइटें कम करो। गाजरी कलर, गाजरी गोल्ड, ये 1900 की है। 1900 चार कलर दिखाए मैंने, चारों में से कोई सा भी पीस ले सकते हैं। शॉप पे आते हैं 1900, कोरियर से मंगवाएंगे तो कोरियर चार्जेस ऐड होंगे, सीओडी पे मंगवाएंगे तो सीओडी चार्जेस भी ऐड होंगे। एक ये ब्लाउज देखिए, यहाँ से साड़ी हटा लीजिए आप, साड़ी हटा लो दोनों तीनों। ये देखिए सल्ली करदाने का डिजाइन, और स्लीव्स पे ये देखिए इस तरीके से पूरे में लटकन लगी हुई है। और ये इसके साथ साड़ी प्रिंट के ऊपर है, ये भी लास्ट पीस बचा हुआ मेरा। ये देखिए तीन फिल्म में लास्ट पीस, 1295 1295 रुपए इंक्लूडिंग जीएसटी लास्ट पीस है ये भी। ठीक है, लास्ट पीस एक ये डिजाइन, और ये भी लास्ट पीस है, ये इस तरीके से बना हुआ ऑफ शोल्डर डिजाइन है, स्पेशली फॉर गर्ल्स, गर्ल्स के लिए ये फ्रंट हो गया, बैक हो गई, फ्रंट और बैक इस तरीके से। और ये साड़ी, ये साड़ी बहुत अलग स्टाइल में बनाई हुई है। ये देखिए पूरे में ऊपर से पूरे में बेल्ट, और नीचे पूरे में टेपिंग करी हुई है, नीचे पूरे में टेपिंग करी हुई है, पूरे में टेपिंग करी है। हेड की एडजस्टमेंट तो आप करवाएंगे ही टेलर से, अपने आप करवानी पड़ेगी। हमारे पास आते हैं तो वो भी पेड है, पेबल मतलब आपको हाइट की पैसे पे करने पड़ेंगे। ये देखिए इसका पल्ला हो गया, और ये 1855 रुपए लास्ट पीस इंक्लूडिंग जीएसटी, 1855 लास्ट पीस। चलो बस ब्लाउज दिखा दे, ये दिखा देता हूँ, कुछ सूट्स भी लेके आया हूँ, सूट्स दिखा दो, एक गाउन भी लेके आया हूँ, गाउन भी पहले सूट दिखाऊँ पहले गाउन दिखाऊँ, अब जैसे कहेंगे मैं वैसे दिखाता हूँ। थैंक यू जोया जी, थैंक यू प्रीति जी, आप तो हमेशा करी देती हैं, लेकिन आपने
अभी तक अपना एड्रेस नहीं दिया प्रीति मुनीश जी, मैं आपको आपके दो वो निकले हुए हैं, मुझे याद है आप हमेशा करती हैं, मुझे ये भी याद है, लेकिन आप बस थैंक यू, और आपने अपना गिफ्ट नहीं लिया, मैं यही कह सकता हूँ, और इससे ज्यादा कुछ ये कॉटन का सूट प्रिंटेड, इसमें प्रिंटेड दुपट्टा है, प्रिंटेड दुपट्टा अनस्टिच सूट हैं सारे के सारे। इसकी पजामी जो है, पजामी में ये नीचे इस तरह से एम्ब्रॉयडरी दी हुई है, फैब्रिक है, फैब्रिक और नीचे पूरे में एम्ब्रॉयडरी दी है, बहुत महंगा पीस है ना, ये तो सबको पता होगा, जिसमें नीचे एम्ब्रॉयडरी दी है पांचे में महंगे पीस होते हैं, प्रिंटेड कॉटन। ये स्लीव्स के लिए हो गया जी, ये बैक है, फ्रंट है, कुछ ही बना लो। हाँ दिखाइए, अच्छा अच्छा सही है सही है। ये फ्रंट हो गया ग्रीन, इस तरीके से फ्रंट हो गया, ये फ्रंट है, और बैक में प्रिंट पूरा बैक इस तरीके से, ये देखिए बैक में, और लास्ट पीस है ₹500 इंक्लूडिंग जीएसटी, लास्ट पीस ₹500 इंक्लूडिंग जीएसटी, ₹500 कॉटन पे। तो हमें तो इस तरह के बहुत सारे पीसेज होते हैं, हमें क्या सभी को जो सेल लगाती ही लगानी पड़ती है, नहीं तो पीस खत्म कैसे होंगे, नए पीस कैसे होंगे। एक बार ये देखिए जॉर्जेट के संग पूरे में स्टोन वर्क का काम, फुल साइज, साइज तो ये मतलब इतना बड़ा है कि अपने पास ही रख लेता हूँ चीटे। मतलब 29 दूनी 58, ठीक है 29 दूनी, तो 58 एक एक इंच का मान लेते हैं, 56 तक ये बन सकता है, बहुत बड़ा बन सकता है, बड़ा साइज है। एडजस्टमेंट आप इसकी अपने आप करवाएंगे टेलर से, ये पीछे बैक में भी वो दिया हुआ बूटा, बैक में भी बूटा दिया हुआ जॉर्जेट के ऊपर, नीचे इस तरीके से पूरे में काम दिया हुआ। ये सीरीज के लिए फैब्रिक है, और ये इसका पजामी के लिए कपड़ा, और ये इसका दुपट्टा, और ये भी लास्ट पीस है, ₹700, ₹700 केवल ये तो लास्ट पीस, ठीक है फोटो नहीं इसके, ₹700। ये सजावट का माल, सजावट का पीस, बहुत बढ़िया सजावट, एक नामी घर है, बहुत बड़ा ब्रांड है अपने आप में सजावट भी, लेकिन ठीक है। ये इसका पीस देखिए, ये भी फुल साइज में, फुल हाइट, और वर्क देखिए रेशम का काम, और इस तरीके से अंदर इनर का फैब्रिक इसमें अटैच किया हुआ है, इनर का फैब्रिक अटैच किया हुआ है, आपको मैचिंग के लिए इनर के लिए जाना नहीं पड़ेगा कहीं पे भी, सब कुछ ये एक्सपोर्ट के हिसाब से पीस थे ये, और हाँ ये रहा, ये इसका स्लीव्स के लिए फैब्रिक, फुल स्लीव्स के लिए, स्लीव्स का भी फैब्रिक भी बहुत बड़ा, फुल स्लीव्स का बन सकता है, नीचे उसमें भी स्लीव्स में भी इस तरीके से वर्क, जॉर्जेट पे बढ़िया फैब्रिक है, कोई दिक्कत ही नहीं है। ये इसका दुपट्टा बॉक्स हो गया, और ये इसका पजामी का कपड़ा, और ये भी लास्ट पीस जो है ₹700, मतलब कोई सा भी पीस में क्या बताऊं, कोई डबल का है, कोई इससे भी ज्यादा का है, कोई ऐसा नहीं है 1.5 टाइम्स है, तो सब मतलब बहुत महंगे महंगे पीस थे, ये ठीक है लास्ट लास्ट पीस अब खत्म तो करने ही होते हैं। ये देखिए एक पीस और दिखा रहा हूँ, पहले ये दिखाऊं ना, पहले गाउन दिखाने हैं मुझे, वो भी बता दिए क्या कह रहे हैं, गाउन दिखाऊं पहले, चलिए मैं गाउन दिखा देता हूँ, इसके बाद ये पीस लेके आया हूँ, उसके बाद गाउन ही दिखाऊंगा पहले। कैसे ऑर्डर करेंगे आप, व्हाट्सएप पे देख सकते हैं, आप मेरी ऐप से देख सकते हैं,
कोई बात नहीं सर। आयुष जी, आयुष भाई, मैं भी लेट हूँ, आज कस्टमर थे, अभी भी कस्टमर थे, जो माल यहाँ सारा तैयार हो रहा था वहाँ पे पैक करने ले गए, यहाँ पे माल तैयार करके। तो चूंकि मेरा तो ये चार मंजिल का है, दो उधर भी बंद होता रहता है, यहाँ पे भी होता रहता है, तो काम इस तरह से करते रहते हैं। पहले गाउन दिखा दूँ, ठीक है, गाउन दिखाता हूँ कुछ मैं। बनारसी सिल्क सूट, बनारसी सिल्क सूट नहीं है जी, नहीं है बनारसी सिल्क सूट, क्या कहते यार, कहाँ का करेंगे इसका। ये देखिए इसका दुपट्टा, ये जो है नेट का दुपट्टा है, ये पजामी का फैब्रिक हो गया, बनारसी नहीं है, सिल्क में है, बनारसी अलग चीज होती है। और ये देखिए इस तरीके से, और ये स्लीव्स के लिए हो गया, ये भी बहुत अच्छा पीस। और सिर्फ 700 रुपए, 700 रुपीज पीछे से आएगा, फुल साइज में बन सकता है। हम तो काट काट के, ये टैग नहीं जाना चाहिए किसी भी कस्टमर को। ये देखिए 1495 काट के 700 रुपए, और 1495 रुपए GST भी था, 1495 पे GST भी था। आपको दिखाने के लिए एक पीस दिखा दिया, दिखाते नहीं है, उसके ऊपर GST ऐड करेंगे तो 1575 रुपीज, यानी 1570 रुपए का पीस था ये, 700 रुपए में। ठीक है, लास्ट पीस से क्या करें, कदम तो करनी है। ये इस पीस पर बड़ा जोर दे रहा है, ये देखिए अनारकली स्टाइल, अनारकली स्टाइल में ये पूरा भरा हुआ इस तरीके से, और स्लीव्स भी देखिए, हैवी स्लीव्स सिल्क के ऊपर, ठीक है। और अच्छा लहंगा भैया कह रहे हैं ये लहंगा स्टाइल है, दिखा देना आप। ये इसका एक सेकंड, नेट का दुपट्टा हो गया, पहले मैं नेट का दुपट्टा साइड में डाल लूं। और ये लहंगा स्टाइल, नीचे लहंगा स्टाइल, और ये भी लास्ट पीस है, 800 रुपए, सिर्फ 800 रुपीज। कितनी हैवी एम्ब्रॉयडरी, और 800 रुपए में आपको ये लास्ट पीस मैं दे रहा हूँ। आजकल सेल ही लगाई हुई, पहले मैं सेल वाले ही काम करूँ, बहुत स्टॉक रोज नया बनाते हैं, नया रोज नया बनता रहता है, तो ये पीस जो सिंगल सिंगल बच जाते हैं, ये भी हमें खत्म तो करनी है, क्या करें। पहले गाउन दिखा दूं, गाउन क्या रहे थे, मैंने भी बात समझाई थी, इस पीस को बाद में बता दिखाता हूँ इस तरीके। मैंने गाउन कोई भी रेडीमेड टू वियर साड़ी जो हम बनाते हैं, वो सारी के सारे रिंकल फ्री फैब्रिक होते हैं, जिसमें रिंकल नहीं आते, मुश्ती नहीं है, साड़ी रिंकल फ्री फैब्रिक है। आप उसको थोड़ी देर वैसे ही पहने रखोगे ना, उसमें वेट इस तरह से होता है, इस तरीके से बने होते हैं वो पीस, तो वो अपने आप क्या होगा, रिंकल खुल जाएंगे, सारी वैसी की वैसी होगी। प्लेट जब डालते हैं तो प्लेटें पूरी अपने आप बन जाती हैं प्लेटें, अदरवाइज उसमें बचपन में सब बच्चों ने किया होता है, मम्मी कराती है, हमारी भी मम्मी करवाती थी, बेटा जरा साड़ी पकड़ियो फटाफट जाते समय, हमने साड़ी पकड़ी, हमने पलट के पकड़ के ना यूं प्लेटें बना दी, करते थे ना, तो वो प्लेटें बनाने का इसमें मैटर खत्म है। अब हम यदि दोला सिल्क में, किसी भी सिल्क में, किसी भी जॉर्जेट में, किसी भी फैब्रिक में बनाएंगे तो क्या होगा, अभी मैंने फॉक्स जॉर्जेट में बनने दे दिया माल, फॉक्स यदि उस पर तो फिर ट्राई कर सकते, सिल्क में बनाएंगे तो उसकी प्रेस कैसे होगी, बाद में आप साड़ी को प्रेस कैसे करोगे, तो मुसनी है, रिंकल्स आने ही आने हैं, उसको प्रेस कैसे करोगे, स्टीम प्रेस करके, तो वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। बना तो दूंगा मैं, मेरा एंड होना है, आप में से किसी ने लेना नहीं है, जिसने ले लिया वो भी बेचारा परेशान रहेगा, गाली बकेगा ये पहने कैसे, तो वो प्रॉब्लम आती है। या तो नेट पे बनेगी ऐसे फैब्रिक जो रिंकल फ्री हो, या जो आराम से प्रेस हो जाए। एक ये देखिए पीस, बहुत प्यारा पीस, चीकू कलर ना, पूरे में हैंडवर्क देखिए, हैंडवर्क कितना प्यारा, स्टोन वर्क का काम, ज्यादा काम भी नहीं है और सिंपल सोबर, ये देखिए प्लेयर, अच्छी प्लेयर, सिर्फ 2000 रुपीज, सिर्फ 2000 रुपए इंक्लूडिंग GST। और इसमें भी यहाँ पे मैं एक सेकंड आपको और दिखा दूं, ये देखिए एक गेरी प्लेयर, यहाँ पे नीचे छोटी फ्रेल दी हुई है, उसके नीचे एक और दी हुई है, और इसमें टेपिंग भी करी है, टेपिंग भी डाली है, ताकि घेर बड़ा लगे, फैल जाए, उसके ऊपर
फ्रिंज डाली हुई है, तो इस तरीके से किया हुआ। ये सिर्फ 2000 रुपीज, सिर्फ 2000 रुपए के। एक ये पीस देखिए, ये इसमें पूरे में अभी स्टीम प्रेस थोड़ी सी होगी, स्टीम प्रेस के बाद ही होता है। इस तरीके से पूरे में हैंडवर्क देखिए, एक दो और तीन, तीन लेयर इसमें भी हैंडवर्क आपने देख ही लिया। और ये पीस जो है 2150 रुपए, 2150, 2150 रुपए सिर्फ, सिर्फ 2150 रुपए। एक लेयर ये हो गई, एक लेयर ये हो गई, और उसके नीचे एक लेयर ये रही जिसमें टेपिंग करी है। इन सब पीस को देखिए, थोड़े से जैसे नेट थोड़ी सी श्रिंक कर गई ना, मुझसे ही रही है। इसको स्टीम प्रेस करा जाता है, तो स्टीम प्रेस के बाद ये वैसे का वैसे हो जाता है, बहुत अच्छी लुक आती है स्टीम प्रेस। लेकिन जो हम कह रहे हैं रेडीमेड सारी सिल्क ऊपर बनाना, वो तो पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल वो प्रेस नहीं होगी। इसको तो स्टीम प्रेस एक बार अपनी स्टीम प्रेस की मशीन भी यहाँ पे दिखा देते तो बढ़िया होता। चलो नेक्स्ट टाइम दिखाएंगे। थैंक यू मंजू जी। सर पटिया सूट, पटियाला सूट 1940 मॉडल वाली साड़ी, 1940 मॉडल वाली साड़ी कौन सी होगी? सर संजू जी मुझे नहीं समझ आया 1940 वाली मॉडल वाली साड़ी कौन सी होगी? आपने ब्लू वाला ड्रेस है ना, प्राइस क्या था ब्लू वाला ड्रेस, कौन सा वाला जो अभी वो दिखाया था, वो ब्लू वाले की क्या प्राइस थे उसके? आपने सामने जो रखा है ब्लू वाले के, कितने लिखा? 800 रुपए का प्राइस था। रोहिणी जी, रोहिणी पाटिल जी, जो अभी आपको ब्लू वाला दिखाया था वो 800 रुपए का था। कुछ लहंगे भी लाए सर? लहंगे भी लेके आओ, बस इसके बाद लहंगे ले लेते हैं। एक ये पीस और दिखा दूं पहले? चलो तो नहीं, पहले ये गाउन ही दिखाते हैं। ये गाउन और देखिए, पूरे में हैंडवर्क का काम, एप्लिक फ्लावर्स, मैचिंग पोत, कटदाना, जरकन सब कुछ इस्तेमाल है। हर फ्लावर में से इस तरीके से ये देखिए लड़ियां लटक रही हैं, बहुत प्यारा पीस। और यहाँ पे भी स्टोन वर्क का काम, और पीछे भी स्टोन वर्क। और ये 2350 रुपए, 2350, 2350 रुपए इंक्लूडिंग GST। कोरियर चार्जेस हमेशा अलग से रहेंगे, और ये सब पेमेंट पे जाते हैं। ये सारे नेट के पीस थे। अब एक पीस में आपको जॉर्जेट पे भी दिखा रहा हूँ। ये देखिए जॉर्जेट के ऊपर पूरे में, इसमें हर जरकन की शाइनिंग देखिए, कशप का काम देखिए, चादर से पैक किया हुआ बहुत अच्छा, बीच में रेशम का लोट, बहुत प्यारा पीस क्रशिंग में। और ये थोड़ा सा महंगा पीस है, 2875 रुपए, 2875, 2875 रुपए प्लस मतलब GST जो है, GST इंक्लूड है। कोरियर चार्जेस अलग से लगेंगे हर एक पे, जैसे किसी में 200 रुपए, 250 रुपए, डिपेंड करता है पीस के ऊपर। जनरली 200 रुपए में हो जाता है, तो डिपेंड करता है पीस के ऊपर। एक पीस में सूट का और दिखा रहा हूँ पहले, फिर आप मुझे सूट कहेंगे तो सूट, और आप मुझे कहेंगे लहंगे, भैया कुछ लहंगे भी लेके आए हैं। वो कह रहे हैं मेरे लहंगे तो दिखा दो, मेरे लहंगे रह गए। मैंने बेटा कोई बात नहीं, सब सब के पीस दिखाऊंगा। ये देखिए फुल हाइट में बना हुआ, और इसमें पहले नीचे से काम दिखा दूं आपको, पूरे में एम्ब्रॉयडरी कितनी अच्छी, कितनी प्यारी एम्ब्रॉयडरी नीचे इस तरीके से बॉर्डर। तो कौन सी ब्लू वाली ड्रेस दिखा दे, जॉर्जेट के ऊपर है ऑलरेडी, ये गला तो बना हुआ है, यहाँ से कटवाने की जरूरत नहीं है आपको, साइड स्टिचिंग करानी है फुल साइज में। हेल्दी से हेल्दी लेडीज के आ सकता है ये, हाइट के एडजस्टमेंट तो आपको करानी पड़ेगी, क्योंकि मेरे भी ये फुल आ रहा है। इतनी लंबी लड़कियां तो नहीं होती, इतनी हेल्दी लंबी लड़कियां, तो हाइट की एडजस्टमेंट तो आपको करवानी पड़ेगी, बड़े आराम से करवा सकते हैं। इनर सब में, इन सारे पीसेस में इनर का अलग से लगा हुआ है, ये देखिए सब में इनर लगा हुआ है, तो इनर की टेंशन भी नहीं है। और इसका ये दुपट्टा हो गया, पजामी के लिए भी फैब्रिक ये दिया हुआ, पजामी का फैब्रिक दिया हुआ है। और ये देखिए ये ऊपर
ऊपर से खाली खाली नहीं लगेगा, ये पहनने के बाद ऊपर से इस तरीके से वो कर दिया जाएगा, ये गले में ऐसे पहन लिया जाएगा। इसका पीस की फोटो है भैया, अच्छा खराब हो गई फोटो। ये आगे से मैं आपको वैसे बता दूं, ये ऐसे करके ये मतलब यहाँ से ऐसे ले लिया जाएगा पीस, ठीक है। इसका साइज जो है, इसका साइज भी अच्छा, हाँ इंची दे भैया, गले में टंगा मैंने पहले ही टांग लिया था। इसका डिजाइन नंबर बोल दो आप, टैग लगाओ। डिजाइन नंबर है 2708। चौबीस, पच्चीस, दूनी पचास, लेकिन हम इसको एक एक इंच दोनों साइड से दबा देंगे, तो ये समझिए 50, 48 तो भी आ सकते, 46 तक तो है ही पक्का, 46 मानिए। आधा इंच दबाते हैं, आधा इंच से भी बदल सकती है, आधा तो कौन होता नहीं, तो 46-47 तक ये जा सकता है बड़े आराम से, बहुत आराम से, ठीक है। और इसके प्राइस जो आज मैंने कर दिए, महंगा पीस था, सिर्फ और सिर्फ 800 रुपए, 800 रुपीज में ये लास्ट पीस आपको मिल रहा है 800 रुपए में। ये पीस जो इस कस्टमर ने दोबारा कहा था मुझे शो करने के लिए, दोबारा दिखा रहा हूँ, ये देखिए इस तरीके से आएगा, अभी फुल हाइट में बना हुआ है, हाइट की एडजस्टमेंट आपको करवानी पड़ेगी स्लीव्स में, देखिए स्लीव्स में भी आगे और पीछे पूरा काम है, इस तरीके से सिल्क के ऊपर है, और ये इसमें ये दुपट्टा, दुपट्टा दुपट्टे की जरूरत नहीं, पकड़ी हुई है यहाँ पे आके, और ये इसकी स्कर्ट हो गई, तो ये स्कर्ट में इस तरीके, हाँ पकड़ी ऊपर खड़ी होगी, ये इस तरीके से पीस आएगा, मतलब पीस बुरा नहीं लगना है कि सामने इस तरीके से हो गया, इस स्टाइल के भी पीस चल रहे थे। अब क्योंकि मेरे पास तो लास्ट पीस बचा है, तो पूरा मैं जरी का काम, और ये 800 रुपए केवल लास्ट पीस। कोरियर चार्जेस हर एक में अलग से लगेगा, इसमें कोरियर चार्जेस भी थोड़ा सा ज्यादा आएगा, मेरे ख्याल से 150-200 रुपए ही आएगा, बहुत भारी पीस, बढ़िया पीस है। लो पहले लहंगे दिखा दो, फिर सूट यदि कुछ कहेंगे कस्टमर को सूट दिखा दूंगा, बे पानी की बोतल, वैसे भी ना जितने हम थोड़ा थोड़ा पानी पीते हैं तो ब्लड में मिलता है, ज्यादा पानी पी लेते हैं तो क्या होता है हमारे सीधे यूरिनरी ब्लैडर से बाहर निकल जाता है टॉयलेट के जरिए, थोड़ा थोड़ा पानी पीते हैं तो क्या होगा पहले लीवर में जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन, बिग इंटेस्टाइन, बिग इंटेस्टाइन तक तो पहुंचते ही, स्मॉल इंटेस्टाइन में सारे के सारे बाइल्स जो कहते हैं ना चूहे कूद रहे हैं पेट में, तो वो क्या होता है बाइल्स होते हैं, वो खाने को इस तरीके से आगे करते हैं, बढ़ाते हैं, तो सारा का सारा पानी सक कर लेते हैं, वो हमारे ब्लड में नहीं आता है, ब्लड से पूरे बॉडी में पहुंचता है, आखिरी में किडनीज के द्वारा फिल्टर करके जितनी मतलब टॉक्सिक एजेंट्स होते हैं, जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, सब चीजें जितनी भी वो सब चीजें होती है, सब गंदगी पूरे शरीर की सब बाहर निकल जाती है। रूजी वाले का साइज बड़ा साइज था, रूजी वाले का साइज क्या था, लाओ एक बार रूजी वाले का साइज फिर से पूछना कस्टमर, मुझे नहीं पता है, क्योंकि हर एक के साइज ज्यादा होते हैं, 22 दूनी 44, कितने टोटल 44 है, 44 का फिर भी 42 तक मानिए, 42-43 तक मानिए, सिंगल पीस है लास्ट पीस, जो पहले बुक करेगा उसका चला जाएगा। ये देखिए पहले क्लोजअप देख लीजिए कि लहंगा, और अब लाइट जला दीजिए भैया वहां से, क्योंकि बगैर लाइट के समझ नहीं आएंगे पीसेस, ठीक है। तो दिख गया एक दो भैया जर्कन के पीस, सॉरी जर्कन के पीस काफी दिनों से नहीं दिखाए हैं, एक दो जर्कन वाले पीस ले आइए, हैंडवर्क के जर्कन वाले पीस, थोड़े से महंगी रेंज भी एक दो पीस दिखाते हैं, ज्यादा महंगी मत लगाना, 12-13 हजार 15 हजार रुपए तक के पीस ले जाओ। जर्कन के पीस में क्या होता है, जर्कन बहुत ज्यादा होती है और जरी कम होती है, ये मैं आपको डबल करके दिखा रहा हूँ, सिंगल करके देखिए, पीस का गेटअप बहुत अच्छा आ रहा है, गेटअप तो बहुत अच्छा है पीस का, और सब में ये है कितने का पीस भी कोई महंगा नहीं है, 850 है ना, 850 रुपए का पीस है ये देखिए,
अंदर पूरे में सब में इसके ऊपर ये पेस्टिंग किया हो बॉर्डर ताकि खराब ना हो, केन 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 के उनके ऊपर भी केन केन खराब ना करे पीस को, तो इस तरीके से पट्टी लगाई है और डबल केन केन है और उसके नीचे डबल केन केन करके लगाइए ताकि पीस फैला हुआ है और ये अंदर से और ताकि ये पीस चुभे नहीं। हर एक पीस इस तरीके से ये बनाया हुआ पीस 5850 रुपए 5850 इंक्लूडिंग GST कोरियर चार्जेस अलग से शॉप पे आते हैं तो 5850 रुपए का है ये पीस सिर्फ। काफी सारे कस्टमर्स को यही कहता हूँ कि यदि आपकी रेंज में पीस आ रहा है तो जरूरी है कि आप ज्यादा पीस पैसे सोच के आगे हम 10,000-15,000-20,000 रुपए सोच के आते 20,000 रुपए तक चाहिए पीस पसंद आ रहा है और कम रेंज में आ रहा है तो यार पैसे बचा लो ना। डबल वेल कंटास दुपट्टा, उसके बाद भी किसी को एक दुपट्टा और चाहिए तो दुपट्टे भी हमारे पास एक्स्ट्रा होते हैं, दुपट्टे अलग से ले जाते हैं जिनको डबल दुपट्टे का शौक है। बेटा एक दो दुपट्टे लेके आइए तो चार अलग से ये लेके आओ दुपट्टे दो तो ठीक है वेरी गुड। ये देखिए फ्रंट बैक और ये स्लीव्स, फ्रंट बैक और स्लीव्स और अंदर पूरा पेस्टिंग किया हुआ माल है। इसके संग दुपट्टे दिखाइए, दुपट्टे हमेशा कैसे होते हैं वो दुपट्टा दिखाओ, उसके संग तो रानी बेटा मैं एक्स्ट्रा दुपट्टे कह रहा हूँ, मैं एक्स्ट्रा दुपट्टे कह रहा हूँ जब से डबल दुपट्टा लेना हो आपसे। एक पीस और देखिए, पहले पूरे में आपको जर्कन की शाइनिंग वर्क और इस तरीके से देख लीजिए, फिर मैं आपको दूर से दिखाऊंगा, पास से आपको वर्क पता चल सकता है, कलर और उसका पीस का गेटअप नहीं पता चलेगा, वो दूर से ही पता चलता है। वाह बहुत बढ़िया शाबाश वेरी गुड। रानी कलर का पीस है, इसकी प्राइस नहीं लिखी हुई है नवीन, इसके प्राइस पता है? ये देखिए पूरी बेल्ट पे भी काम है, बहुत प्यारा पीस। और ये देखिए बहुत अच्छी फ्लेयर वाला पीस, ज्यादा फ्लेयर वाले पीस क्या होते हैं ऐसे बढ़िया गेटअप आता है, उसमें केन केन भी एक्स्ट्रा लगी होती है, सब कुछ डबल होता है। देखिए जब ढंग से ड्रेप किया जाता है पार्टी में लगता है हाँ किसी ने पहना हुआ, दुल्हन ढंग से तैयार होती है, मेकअप वगैरह सब कुछ में होता है। ठीक है और इसका दुपट्टा दिखाइए, वो दिखाइए किसी ने तैयार करवाया, ये इस तरीके से तैयार किया जाता है 9,500 का पीस है। ये देखिए दुपट्टा, एक ये डबल दुपट्टे तैयार कैसे करे जाते हैं वो भी मैं भी आपको सब कुछ दिखाऊंगा एक एक करके। ये दूसरा दुपट्टा तो दोनों तरीके से करते हैं, कुछ पीस में तैयार को बहुत कम पीसों में हम तैयार करके रखते हैं, लेकिन एक दो पीस में जैसे कस्टमर ने कह दिया कि अभी ये पीस बुक है, लेकिन इसमें के पीस मेरे पास और भी हैं आपको मिल जाएंगे। ये लीजिए 9,500 और ये इसका देखिए ब्लाउज, ब्लाउज पीस पहनने के बाद यदि सब लोग ना पूछ ले पार्टी में कि हाँ कोई पीस पहना हुआ था तो बात अलग है। पूरा पेस्टिंग किया हुआ माल 9,500 फ्रंट बैक और स्लीव्स। और जब भी दुपट्टे ये लिए जाते हैं तो इस तरीके से एक्स्ट्रा दुपट्टे ये ले लिए जाते हैं, डबल दुपट्टा चाहिए, बहुत सारे लोगों को शौक होता है कि भाई डबल दुपट्टे का ट्रिपल दुपट्टे का डबल दुपट्टे का पीस चाहिए, तो किसी के संग इस तरह से पीस लगा लो, जो दुपट्टा लिया होता है उस तरह की ये लेस लगा देते हैं, रेड रानी मैरून वाइन चीकू, यदि रेड आपके संग मैचिंग का है तो आप ये चीकू ले लो, आपको कंट्रास्ट देना इस तरह का भी ले सकते हो, बहुत तरह के स्टाइल होते हैं, सब डबल दुपट्टे ले लिए जाते हैं। एक ये पीस और खाली दुपट्टे का पूछ के आना, खाली दुपट्टे फैब्रिक चाहिए हो, जो भी बुटीक वाले हैं जो लेडीज हैं जो फैशन डिजाइनर हैं, फैशन डिजाइनर भी मेरे यहाँ से सीक्वेंस के फैब्रिक ले सकते हैं, अभी तक नहीं बेचते थे ले लो, मैं तो खान के थान आती है ना हमारे पास, तो
एक डिजाइन और आया मेरे भी बनाया तलवार का, वो मैं दिखा रहा हूँ अभी आपको पीस। रेड कलर का पीस, और ये इसका ब्लाउज हो गया वेलवेट पे रेड कलर का पीस। और ये इसका दुपट्टा। अभी सीक्वेंस के भी एक दो डिजाइन और दिखाता हूँ, सीक्वेंस के बहुत डिजाइन बना रहा हूँ। अभी दो एक डिजाइन मैंने आपको दिखाए थे, एक ज्यादा सीक्वेंस चल रहा है, एक कई तरह के सीक्वेंस चल रहे हैं। ये देखिए, ये इसका दुपट्टा हो गया, एक वो दिखाइए, एक और ये पीछे वाले का मुंह के बाल वही कर रहे हैं, वो बढ़ जाएंगे थोड़ा जैसे जैसे कि। चलो ये वाला पीस जो है 500 रुपए का पीस है, 500 रुपए का। और इस वाले के लिए एक्चुअल में कह रहे हैं कि भैया है नहीं, तो वो ही आगे बताएंगे 700-800 रुपए ऐसे कुछ होगा, मुझे नहीं पता। ये पीस यदि कोई दुपट्टा मंगाता है तो 500 रुपीस का है एक्स्ट्रा, इसी के संग आप इस्तेमाल कर सकते हो इसका। मुझे अभी भैया है नहीं, तो वो कह रहे हैं, चलो भैया कह रहे हैं पैसा आएंगे तो बताएंगे, 700-800 रुपए जो भी होगा मैं नहीं पता, क्योंकि कॉस्टिंग क्या होती है, कुछ मुझे पता है कुछ भैया को पता है। वैसे भी हम क्या होता है सब चीज की कॉस्टिंग के, नेट कितनी लगी, बॉर्डर कितने का लगा, उसमें लेस कितने की लगी, उसकी स्टिचिंग कितनी की, उसकी कॉस्ट कितनी है, टोटल कॉस्ट निकाल ली, उसके बाद उसमें अपना प्रॉफिट ऐड किया, हमने प्राइस देख लिया और उसकी फोटो खींची, फोटो खींची, प्रिंट आउट निकलेगा उस पर प्राइस लिख देंगे। अब वो सबके लिए है, स्टाफ के लिए। अब आप लोग याद रखोगे, हम नहीं, हम तो दूसरी चीजों में दिमाग लगाएंगे, तो हम उस तरीके से करते हैं, थान के थान आते हैं, उन थानों में हम दिमाग लगाते हैं। एक बार भैया वो दे दीजिए। अच्छा आप अपनी हैंडवर्क की साड़ी दिखा रहा हूँ भैया, आप हर एक दिन अपनी अपनी साड़ी निकाल रहा है भैया, अपनी हैंडवर्क की साड़ी लेके आ रहे हैं ये भैया, अपने गलेश लहंगे लेके आए हैं। और मैंने आपको लिए, एक मिनट पहले वो लहंगे दिखा देता हूँ भाई, मैं आपके लिए लहंगे लेके आया था ये भैया, एक सेकंड ऐसे ही दे दीजिए। ये देखिए, एक का दुपट्टा ले आइए, किसी भी एक का दुपट्टा ले आइए, दिखा देता हूँ मैं, पूरा काम हो गया। अब मैं आपको दूर से दिखा रहा हूँ कि शाइनिंग एक्चुअल में क्या होती है। ये जर्कन के पीस, हैवी पीस, रानी कलर, रेड कलर, इसमें इस तरह से रानी, रेड और मेहरून, तीन ही कलर चलते हैं भैया। आपको पकड़ना पड़ेगा पीस, इसमें इस तरीके से इसके साइज भी बड़े होते हैं, कमर भी देखिए हेल्दी से हेल्दी के आ जाएगा। ये देखिए, और इनका घेरा, एक बार में पूरे स्क्रीन पे घेरा भी नहीं आ रहा होगा आपकी मोबाइल स्क्रीन पे, इधर से इधर घुमाना पड़ेगा। पीस पहनने के बाद लगेगा हाँ कुछ पीस पहना हुआ, लेकिन रेंज अलग अलग 12-15 हजार रुपए की रेंज के बीच के लेके आए मेरे पास, 12 हजार रुपए से लेके 25 हजार रुपए तक के पीसेस हैं। ये देखिए, गला बना हुआ है स्लीव्स के लिए, फ्रंट और बैक, ये फ्रंट हो गया, फ्रंट में अलग से पता चल रहा है फ्रंट है, और वो बैक और स्लीव्स के लिए पूरे में काम। ठीक है, एक वो पीस और उठा दीजिए, ऐसे पैक कर दीजिए, वेरी गुड, शाबाश। ये देखिए, थोड़ा नीचे, थोड़ा से नीचे, ठीक है। पहले वाले का भैया पहले पीस ले जाए दुपट्टा, तो दुपट्टा भी आपको दिखा दूं, दुपट्टा भी हैवी है, ये
अच्छे हैवी पीस होते हैं, एक पीस को संभाल लो वो गनीमत होता है। दूसरा दुपट्टा चाहिए तो मिल जाएगा सब कुछ। ये पूरा फुल साइज का दुपट्टा इस तरीके से, जर्कन उसी तरीके से, देखिए पूरे में जर्कन इसका इस्तेमाल है, इसमें स्टोन वर्क नहीं है, यानी चांदला नहीं है, पूरे में जर्कन है। जर्कन की कटिंग अलग होती है, डायमंड कटिंग होती है, शाइनिंग भी अलग होती है। पीस देखिए इसमें डिजाइंस काफी सारे जाएंगे, सिर्फ दो पीस भैया जो उठा लाए। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई तो ये पता है। ये देखिए शाइनिंग कैसा लुक आ रही है ये बताइए जरूर। बस बाकी इसके बाद यहीं पे फिनिश कर देते हैं, बाकी के पीस नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा मैं आपको नए बाकी सारी आइटम्स। आइटम्स और भी काफी लेके आया हुआ था। ये देखिए जितने पीस है ना सब उठा के रख देना, सब नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे। ये लीजिए और मॉडल हमारी पेपर के लिए गई हुई है, कई कस्टमर काफी सारे लोगों ने पूछा, तो कोई भी और यदि एज ए इंटर्नशिप के लिए आना चाहे मॉडलिंग के लिए तो उनको एक ही चीज मिलेगी, आने जाने के किराए तो दे सकता हूँ, इंटर्नशिप में उससे ज्यादा मैं पैसे पे नहीं कर सकता। उनको एक ही चीज मिलेगी, एक मतलब सोशल मीडिया मिल जाएगा। तो सोशल मीडिया से क्या हुआ, जो दिखता है वो दिखता है, जो दिखता है वो दिखता है, मतलब सिंपल सी बात है, जो फेस दिखता है। जितने नेता नहीं होते चाहे वो कुछ भी ना हो लेकिन कुछ ना कुछ बयानबाजी उपटंग बयान देते हैं, चाहे पब्लिक में झगड़ा हो जाए लेकिन वो अपने बयान देते रहेंगे। हीरो हीरो नहीं होते बहुत सारे उटपटांग, किसी ने कहा मैं रामदेव से शादी कर लूंगी, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, अब भाई क्या मतलब, पेपर में रहना है, न्यूज में रहना है, तो न्यूज में रहने के लिए कुछ ना कुछ करते हैं। तो मैं आपको भी यही सलाह दूंगा, जो भी इंटर्नशिप में आना चाहे मॉडलिंग के लिए वो आ सकती हैं, लेकिन इंटर्नशिप में। एक ये और निकला है याशिका ठाकुर जी, याशिका ठाकुर, याशिका जी आपका एक गिफ्ट निकला है, आपने भी काफी शेयर्स करे थे तो आपका एक गिफ्ट निकला है। बाकी जो सिंगल सिंगल एक एक दो दो तीन तीन शेयर करते हैं उनका नहीं निकालते हैं, जो 10 या 10 से ज्यादा शेयर करते हैं उन्हीं का निकलता है। तो ये चार पर्ची थी जिन्होंने ज्यादा शेयरिंग करी थी, ये लीजिए भैया याशिका का भी रख लीजिएगा। आप प्लीज अपना एड्रेस भैया को बता दीजिएगा, नहीं तो ये भी रखा हुआ जैसे प्रीति मुनीष जी का रखा हुआ था, प्रीति मुनीष जी का या और भी कई कस्टमर्स के गिफ्ट रखे हुए हैं, पेंडिंग है। जब तक अपना एड्रेस नहीं देंगे तो हम कैसे भेजेंगे। बस इसी तरह प्यार देते रहिए, धन्यवाद, आप लोगों का दिन शुभ हो। कुछ और आइटम्स भी रखी हुई थी लेकिन वो सब आइटम्स बाद में नेक्स्ट वीडियो में मैं दिखाऊंगा। मिलते हैं कल फिर, कोशिश करेंगे इसी टाइम सुबह 1 बजे के बजे शाम को 3 बजे का टाइम रख लेते हैं, ज्यादा इजी और बेटर रहता है। धन्यवाद, आप सब लोगों का दिन शुभ हो।